अब प्रिपेयर कैसे करी जाए वैनिशिंग क्रीम, तो आपको क्या करना है, एक तरफ आपको एक बीकर में स्टेरिक एसिड लेना है और स्टेरिक एसिड को आपको मेल्ट कर लेना है 70 डिग्री सेल्सियस पे। आपने मेल्ट कर लिया तो ये हमारे पास हो गया एक ऑयली सॉल्यूशन रेडी। दूसरी तरफ आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और ग्लिसरीन एक दूसरे बीकर में लेने हैं और इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर लेना है। यहाँ हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया, इधर हमारे पास एक ऑयली सॉल्यूशन है जो कि मेल्ट हुआ स्टेरिक एसिड है, इधर हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, हम ऑयली सॉल्यूशन को स्टिर करेंगे यानी घुमाएंगे, और घुमाते घुमाते इसमें एक्वस सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें डाल देना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे हम जब तक पूरा एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर चला ना जाए, और उसके बाद क्या होगा, लास्ट में हमारे पास वैनिशिंग क्रीम फॉर्म हो जाएगी।